हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि हमारा 2021 जो कि अभी कल ही आया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, जो कि इसके जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक, उन्होंने जो कल जो है वर्चुअली जो है इसके बारे में बताया कि कौन सी यूनिवर्सिटी की, मतलब इंडिया की जो रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल, जो 10 सेक्टर हैं, मतलब इसमें जैसे ओवरऑल है हमारा यूनिवर्सिटी है, फिर इंजीनियरिंग के टर्म्स में है, फिर मैनेजमेंट के टर्म्स में, फिर फार्मेसी, फिर कॉलेज, फिर हमारा जो है डेंटल, मेडिकल, लॉ एंड आर्किटेक्चर, उसके बाद रिसर्च, इन दसों के बारे में बताया उन्होंने, ठीक। तो हम जो है ये 2021 इम्पॉर्टेंट तो हम स्टार्ट करते हैं, और ये NIRF जो है स्टार्ट हुआ था 2015 में, पहली बार इसकी जो है रैंकिंग 2015 में हुई थी, ठीक। तो और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल यूनिवर्सिटी की, कौन सी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे है, कौन सी सेकंड। हम जो है टॉप 10 देखेंगे और आप जो है उसमें से टॉप 3 जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक। तो ये रही हमारी जो है इन टर्म्स ऑफ हमारी ओवरऑल कौन सी यूनिवर्सिटी हमारी फर्स्ट नंबर पे है, कौन सी सेकेंड, ठीक। तो ये देखिए पहले नंबर पे है हमारी IIT मद्रास, पहले नंबर पे है हमारी IIT मद्रास, दूसरे नंबर पे है हमारी IISc बेंगलुरु, तीसरे नंबर पे है हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे IIT बॉम्बे, चौथा नंबर है हमारा IIT दिल्ली, पांचवा नंबर है हमारा IIT कानपुर, छठा नंबर है हमारा IIT खड़गपुर, सातवां नंबर है हमारा IIT रुड़की, और आठवां है हमारा IIT गुवाहाटी, और नौवां है हमारा JNU जो कि न्यू दिल्ली में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एंड दसवां है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक। तो ये रहे आपके जो है टॉप 10 यूनिवर्सिटी, टॉप 10 हमारे जो है ओवरऑल इंस्टीट्यूट, जिसमें दो यूनिवर्सिटी आ रही है, बाकी सब हमारे IIT जा रहे हैं और एक IIC बेंगलुरु आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल। अब हम जो है इन टर्म्स ऑफ जो है यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे है और कौन सी टॉप 10। तो इसमें भी हम टॉप 10 देखेंगे, आप जो है टॉप 10 देख लीजिए, टॉप 10 आप जो है ओवरऑल का याद कर लीजिए, ठीक, और यूनिवर्सिटी का, और टॉप 5 कॉलेज का, बाकी आपको टॉप फर्स्ट भी पता है तो भी चलेगा, नहीं पता है तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा जिससे आपके दिमाग में रहे, ठीक। तो अब हम जो है यूनिवर्सिटी का देखते हैं, ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है टॉप 10 की। तो IISc बेंगलुरु रिमेन टॉप पे यहाँ पे, अगेन ये जो है टॉप पे है हमारा, सेकेंड है हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, थर्ड नंबर पे है हमारा BHU। ये कई बार, 3-4 बार से जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यही IISc बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और BHU ही टॉप 3 में आ रहे हैं, ठीक। और उसके बाद चौथा नंबर है हमारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पांचवा है हमारा अमृत विश्व विद्यापीठम जो कि हमारा चेन्नई के साइड है, पांचवा है हमारा जो सॉरी छठा है हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया, फिर है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, फिर उसके बाद है हमारा जाधवपुर, फिर उसके बाद है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, फिर उसके बाद है हमारा अलीगढ़ अमृत विश्वपीठम विद्यापीठम, फिर उसका जामिया मिलिया इस्लामिया, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, फिर जाधवपुर यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो कि हैदराबाद में है, फिर उसके बाद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि UP में है, ठीक। तो ये हो गई आपकी टॉप 10 जो है हमारी यूनिवर्सिटी के टर्म्स में, और हमने ओवरऑल देख लिया। अब हम जो है देखते हैं, अब हम जो है पहले कॉलेज का देख लेते हैं, ठीक, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आपको ओवरऑल और यूनिवर्सिटी का याद करना है, और जो है आप कॉलेज का आप याद कर लीजिए, फिर उसके बाद मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल, रिसर्च हम एक बार देख लेंगे, ठीक। तो ये रहा हमारा इंडिया रैंकिंग 2020 फॉर कॉलेज, ठीक। इसमें अगेन हमारा जो है मिरांडा हाउस जो है नंबर 1 पे है, देखिए मिरांडा हाउस हमारा जो है नंबर 1 पे है, फिर लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन हमारा जो है सेकेंड नंबर पे है,
फिर तीसरा हमारा है लॉयला कॉलेज, ठीक। अब चौथा है हमारा सेंट जेवियर कॉलेज, पांचवा है हमारा राम कृष्ण मिशन विद्या मंदिर, ठीक, रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर। इसमें जो है कॉलेज में हमारा टॉप फाइव में पूछता है, तो मैंने आपको टॉप फाइव बता दिए, ठीक। यहाँ से मिरांडा हाउस, लेडी श्री राम, लॉयला, सेंट जेवियर, रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर। आप जो है इधर से टॉप टेन भी देख सकते हैं, और इसकी जो है पीडीएफ मैं आपको जो है वहाँ पर दे दूँगी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पे मैं दे दूँगी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, आप यहाँ ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट अपने देखते हैं कि कौन कौन सी रैंकिंग है, कॉलेज की होगी हमारी, ओवरऑल हो गई, यूनिवर्सिटी जिसमें आपको याद करना है, अब बाकी आप चीज़ें जो है एक बार देख लीजिए। इंजीनियरिंग का हम देखते हैं, इंजीनियरिंग में कौन कौन है, तो यहाँ पे अगेन जैसे हमारा ओवरऑल में जो हमारा आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है, यहाँ पे भी हमारा जो है आईआईटी मद्रास ने टॉप किया हुआ है, ठीक। आईआईटी दिल्ली है, फिर आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी कानपुर है, यानी ओवरऑल में जो हमारे 7-8 हैं यहाँ पे हैं प्रेजेंट, क्योंकि ये इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं। आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी टेक्नोलॉजी है रुड़की, आईआईटी जो है गुवाहाटी है, आईआईटी हैदराबाद है, फिर एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपल्ली है, एनआईटी फिर कर्नाटका है, फिर आईआईटी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, ठीक। अब हम जो है इंजीनियरिंग का देख लिए, अब हम देखते हैं मैनेजमेंट का आईआईएम में, ठीक। तो यहाँ पे जो है फिर से आईआईएम जो है अहमदाबाद जो है फर्स्ट नंबर पे आ गया है, देखिए, ठीक। फिर आईआईटी आईआईएम बेंगलोर है, फिर आईआईएम जो है कलकत्ता है, आईआईएम कोजिको है, फिर आईआईटी दिल्ली है, ठीक। तो यहाँ पे हम टॉप फाइव देख लेते हैं, आप लिस्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है आईआईएम लखनऊ ने भी जो है टॉप टेन में जगह बनाई हुई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फार्मेसी के टर्म्स में, फार्मेसी में कौन नंबर वन है, ठीक। तो देखिए फार्मेसी में ये हमारा जामिया हमदर्द है, वो फर्स्ट नंबर पे है, पंजाब यूनिवर्सिटी सेकेंड है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी जो है ये थर्ड है, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली है, फिर आई इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, ठीक, आईसीटी, वो आईसीटी मत लीजिएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है। अब हम जो है नेक्स्ट चलते हैं अपनी रैंकिंग का, कॉलेज का तो हो ही गया, मेडिकल के टर्म्स में चलते हैं हम लोग। तो मेडिकल में हमारा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, फिर यहाँ पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक। ये यहाँ पे हमने टॉप फाइव देख लिए। अब हम जो है देखते हैं लॉ के बारे में, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सेकेंड पे, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज, ये जो है चौथा पे है साइंस, फिर आईआईटी खड़गपुर पांचवा है, छठवां है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक, आप यहाँ पे देख लीजिए। अब हम जो है ये लॉ हो गया हमारा, अब हमारा जो है इसके बाद है हमारा नौवां नंबर है हमारा आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरिंग में कौन कौन सा है, तो आईआईटी रुड़की है, आईआईटी जो है एनआईटी हमारा कालीकट है, फिर आईआईटी खड़गपुर है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली है, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल, ठीक, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल। अब नेक्स्ट है हमारा डेंटल, डेंटल में कौन सा आया है, डेंटल को जो है पिछले साल ही इंक्लूड किया गया है, तो डेंटल में हमारा जो है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, डॉक्टर वाई पाटिल, डी वाई पाटिल विद्यापीठ, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, फिर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये हमारा डेंटल हो गया। अब लास्ट वन है हमारा रिसर्च, ठीक,
अब रिसर्च में कौन कौन सा आया, तो रिसर्च में हमारा देखिए फर्स्ट नंबर पे है IISc बेंगलोर, सेकेंड है IIT मद्रास, तीसरा है हमारा जो है IIT बॉम्बे, चौथा है IIT दिल्ली, फिर उसके बाद है IIT खड़गपुर, फिर IIT कानपुर, फिर IIT रुड़की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, IIT गुवाहाटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, होमी भाभा नेशनल, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे JNU उसके भी नीचे है। ठीक, तो आप जो है लिस्ट यहाँ पे देख लीजिए, बना BHU जो है टॉप 10 से बाहर है, JNU तो आई थिंक टॉप 15 से भी बाहर है, या टॉप 15 में ही होगा, मतलब 15 या 16 रैंक है इसकी। ठीक, तो ये हो गए हमारे जो है इंडियाज रैंकिंग 2020 का, ये हमारा हो गया NIRF। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।